हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और सेफ होंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आजकल की हालत देख देख के ना दिमाग ऐसे भी खराब हो ही रहा है। बट ये टाइम है कि हम लोग फेथ रखें ओवर फेयर, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये भी पास हो जाएगा, दिस टू शाल पास। तो यही बोल के मैं मेरा ब्लॉग जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि हालात बहुत ही गंभीर है हमारे पूरे ही कंट्री के। ओके गाइस, तो आज मैंने ये ब्लॉग जो है ये स्टार्ट किया है, अभी शाम का टाइम बीत गया है और रात हो गई है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ अभी मोमोज। मैंने सोचा कि चलो कुछ तो अच्छा सा बनाते हैं दिल को खुश करने के लिए, ऐसे भी हम लोग बोरिंग खाका के तो पक गए हैं। तो 30 डेज चैलेंज का जो अपडेट है वो मैं आपको देती हूँ गाइस। तो ऑब्वियसली हम लोगों ने अभी 2 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते होके चले गए, तो इसमें हम लोग ने 4-5 बार बाहर का मंगाया। मैं यहाँ पे हॉनेस्ट होना चाहती हूँ, बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग घर का ही खाएं। बट कभी कभी हो जाता है ना कि क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसके लिए मुझे लगता है इस टाइम पे हम लोग को ज़्यादा जो है स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और थोड़ा सा दिल का भी सुनना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं ना तो डाइट हो भी नहीं पाता है, सच में बताती हूँ मैं तो। बट हो रहा है, चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेन रहने की कोशिश मैं कर रही हूँ और यही। एंड अभी तक मैंने हम लोगों ने जो है लव स्टोरी का वीडियो शूट नहीं किया है, बट ये व्लॉग से पहले आपने वो वाला व्लॉग देखा होगा, तो मुझे पता नहीं कि क्या फीडबैक आने वाला है और कैसे आए। मुझे तो इतना तो पता है कि आप लोगों को तो पसंद तो आता ही है मेरे सारे वीडियोस, तो ये भी पसंद आया ही होगा, आई एम नॉट श्योर। तो चलो फटाफट से मैं मोमोज की तैयारी करती हूँ। वैसे मोमोज बहुत ही ज़्यादा ईजी रेसिपी है, उसमें कुछ है नहीं। मैं चिकन मोमोज बनाने वाली हूँ, आप वेज मोमोज भी बना सकते हो। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आटा वगैरह लगा लेती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ किचन में। हे गाइस, तो मैंने सारी तैयारी भी करके रख दी है। यहाँ पे मैंने आटा गूंद के रख दिया है, बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है, यानी ये सूखा आटा हम लोग को लगेगा। सब्जियाँ काट के रख दी है और यहाँ पे मैंने चिकन मिंस करके रखा हुआ है, मतलब नॉर्मल चिकन आता है उसको मिक्सर ग्राइंडर में एक बार चला लो फिर उसका हो जाता है खीमा, तो वो चिकन मिंस हो गया है रेडी। अब मैं आपको फटाफट से रेसिपी देती हूँ। तो गाइज, यहाँ पे है मेरे पास चॉपर और मैं इसमें सारी चीज़ें डालने वाली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास है मिर्च, तो 3 मिर्चें हैं। इसके अंदर थोड़ा सा ये है जिंजर, यहाँ पे है गार्लिक, थोड़ा थोड़ा सा है एकदम थोड़ा सा कोरिएंडर, धनिया, और यहाँ पे एक छोटा प्याज, मीडियम प्याज के करीब है ये। इसको हम लोग ना चॉपर में डाल के अच्छे से ग्राइंड करके लेंगे, एकदम हम लोग को फाइन चाहिए। हमारा मसाला यहाँ पे देख सकते हो कितने अच्छे से बारीक एकदम हो गया है। इसमें मैं डाल रही हूँ ये चिकन मिंस जो मैंने अभी अभी किया है, बाद में इसमें जाएगा ये मसाला, ऑनियन, मिर्च, अदरक, लहसुन जो भी है वो। इसमें हम लोग डालेंगे थोड़ा सा सोया सॉस, बिल्कुल थोड़ा सा। इसमें जाएगा थोड़ा सा सॉल्ट, पर आपके पास अगर वाइट पेपर हो तो आप वो डाल सकते हो, मेरे पास ब्लैक पेपर है तो मैं ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, बिल्कुल एक चुटकी भर। एंड हम लोग को इन सब चीज़ों को ना मिक्स करके ले लेना है, हाथ से ही मिक्स करेंगे तो अच्छा रहेगा। और ये हमारी स्टफिंग हो गई है रेडी, और अभी आटा रेडी है, उसके बाद स्टफिंग रेडी है। और यहाँ पे मैंने मेरा देसी स्टीमर लगाया है, तो ये एक बर्तन है, इसके अंदर पानी भरा है, देन ये हमारी जाली डाली है, और यहाँ पे मैंने गरम होने रख दिया है इसको ढक्कन लगा के। अभी फटाफट से मोमोज बना लेते हैं। अच्छा, ये जो आटा है ना, मैंने 30 मिनट्स रेस्ट के लिए रख दिया था, बिल्कुल ही सॉफ्ट मैंने गूंदा है, कुछ नहीं, सिर्फ मैदा है इसमें, थोड़ा सा नमक है, और जैसे पानी से हम लोग गूंदते हैं अक्सर वैसे ही है, बट ये बहुत सॉफ्ट है, देख सकते हो। तो अभी छोटा सा इसमें से निकाल लेती हूँ मैं,
दो तीन बॉल्स। ये देखिए ये पूरी टाइप का बन गया। अब इसमें डालेंगे ये स्टफिंग और अब इसको करेंगे फोल्ड। तो फोल्ड भी हम लोग कई तरह से इसको जो है कर सकते हैं। तो ये मैं आपको सिंपल फोल्ड बता रही हूँ। बहुत ही सिंपल वे से मैंने फोल्ड किया है इसको और कुछ इस तरीके से बना है ये, देख सकते हो। एक और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। अब ये थोड़े से मोमोज मेरे हो गए हैं तो मैं इसको स्टीम पे लगा देती हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों को लगाना है अच्छे से ऑयल, जिससे कि हमारे मोमोज जो है सरफेस पे स्टिक ना करे। और एक एक करके मैं मोमोज को प्लेस कर रही हूँ। अब इसको हम लोग 10 टू 15 मिनट्स जो है ये स्टीम होने रख देंगे। तो गाइज अभी यहाँ पे आ गए हैं शेफ निशान शेट्टी, जो कि अपना हाथ आजमा रहे हैं मोमोज पे। तुम बनाए, तुमने बनाए हुए तुम ही खाना। बनने तो दो पहले। ये देखो समोसा मोमोज नहीं बनाना है, उतना याद रखो। अलग डिजाइन है मेरा। क्या अलग डिजाइन है, दर्शकों को जरा दिखाओ। मतलब सब यूनिक बनेंगे मेरे, मतलब सब डिफरेंट डिफरेंट है। हाँ। ओ बहुत ही अच्छा डिजाइन बन रहा है यहाँ पे। बता, अरे वाह, देखा कुछ यूनिक है ये। सच में कुछ यूनिक है। एक करूनच घाम आला मला। मग रात्रीच कुकिंग करताना खूप घाम येतो जास्त। बहुत ज्यादा पसीना, वर्कआउट करने से भी इतना ज्यादा पसीना नहीं आता है जितना कुकिंग करने से आता है। वाओ, तुला काय वाव बोलायला, खायचं मलाच आहे। नाही मी खाणार ना तुझं, मस्त बनवतोयस तू काय काय, हे तर मला खूपच आवडलेले। देखिए बैटर भी इस तरीके से आपको गाइस लगाना है। ये देखो ये भी मोमोस के शेप जैसा ही है, यूनिक साइज। जैसे बनाना मत। कैसे भी बना सकते हो आप मोमोस को, कोई ऐसे रूल नहीं है, बस बनना चाहिए, बस वो फोल्ड होना चाहिए बराबर। मोदक जैसे बनाओ ना। जे बनते थे तरी बनो दे पहले। डोनाल्ड डक के आपको टोज बनाने हैं इस तरीके से। वाओ व्हाट अ डिजाइन, ये सच में अच्छा बना है। सेम ही बन गया है रे। नहीं ये कुछ अलग है, उसको ऐसा शिप जैसा आ गया आगे। अच्छा अच्छा ओके।
एंड गाइस हमारे मोमोज रेडी हो गए हैं। 15 मिनट्स तक इसको रख दिया है ऐसे ही और अभी निकालते हैं इसको प्लेट में। ये हमारा दूसरा बैच मोमोज का। और हम लोग इसको खा रहे हैं शेजवान चटनी के साथ। अभी निशांत टेस्ट करके बताएगा कैसा है। हॉनेस्ट रिव्यू देना। बैटर क्या है? बैटर तो बहुत सॉफ्ट है, पका है मस्त। चिकन खाने दो। सच में अच्छा है। चिकन मस्त कुक हुआ एकदम। अभी तक मैं 3 से 4 बार मोमोज बनाया, उसमें से ये सबसे अच्छा है। हाँ। हेलो गाइस, तो मैं मिल रही हूँ आपको सीधा सुबह। तो अभी अभी हम लोगों ने लव स्टोरी का जो वीडियो है फाइनली शूट कर लिया है। तो इस बैकग्राउंड के साथ हम लोग ने अभी यहाँ पे बैठ के शूट कर लिया और निशान गया है वापस उसके काम के लिए। और मैंने सोचा कि लगे हाथ जो है मैं भी अपना काम कर लूँ और मैं भी बाद में फिर ये सारे जो वीडियोज है वो सब शूट कर रही थी। तो मैंने सोचा कि ये व्लॉग अधूरा रह गया है, नहीं तो मैं भूल जाती कि मेरा व्लॉग भी चल रहा है। तो बहुत ही अच्छा रहा, मतलब हमारा जो वीडियो था वो मुझे बहुत पसंद आया, जो हम लोगों ने सब कुछ अच्छे से बताया है। अभी आपको तो पहले ही मिल गया होगा वो वीडियो, तो आई होप कि आपको अच्छा लगे। एंड बस यही चल रहा है अभी, मुझे थोड़ी देर के बाद में लंच भी प्रिपेयर करना है और बस वीडियो शूट चल रहा है। इसके बाद में मैं लंच प्रिपेयर करूंगी और फिर एडिट कर दूंगी वीडियो। और आई कांट वेट कि मैं कब डाल रही हूँ, ऐसे मुझे लग रहा है ये वाला वीडियो। तो पहले मैंने सोचा था कि ये वाला आटा यार डालूंगी मैं, कुछ इंडियन डालूंगी इस बार, बट बाद में निशांत ने टी शर्ट डाला था और फिर निशांत को मुझे ज़्यादा बॉदर नहीं करना था कि कुर्ता डाल, ये डाल, वो डाल, तो फिर उसने टी शर्ट ही डाला था तो मैंने भी टी शर्ट ही डाल दिया। तो मैंने ये वाला सिंपल सा टी शर्ट डाला हुआ था। और आज बाहर का वेदर ना बहुत ही ऐसे ब्लूमी सा हो रहा है, ऐसे धूप भी है और सब कुछ ऐसे बहुत ही अच्छे से खिल के आया है। अरे वहाँ हवा भी आ रही है। यहाँ पे आना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये वाली बालकनी में। ये मेरी फेवरेट बालकनी है, मेरे पूरे घर में ये वाली बालकनी मेरी फेवरेट है और ये वाला रूम मेरा फेवरेट है। बहुत अच्छा लग रहा है आज का पूरा ही वेदर। और फटाफट से कर लिया है मैंने आउटफिट चेंज मेरे नेक्स्ट वीडियोस के लिए। और ये वाला ड्रेस ना मुझे बहुत पसंद आता है, क्योंकि इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये मैंने मीशो से लिया था और इसके ऊपर डाल रही हूँ अभी ये वाले इयररिंग्स। तो फटाफट से अभी मुझे ये वाला दो वीडियोस है ये शूट करना है। आप बताइएगा कि ये ड्रेस कैसे लग रहा है, मेरा तो फेवरेट ड्रेस है ये। कोई मुझे बताएगा तुम्हारे यहाँ पे क्या काम है? देखो गाइस, देख लो इसके करतूत। हेलो, तुझे कपड़े ना आए तिथे खालती है। तो ये मैं अगर 2 मिनट के लिए वार्डरोब खुला छोड़ दूँ तो इसका यहाँ पे क्या ढूंढ रही है पता नहीं। हेलो खालती उतर, कुची कुची कुची। और मैं यहाँ से अभी चली जाना, तो सारे जो कपड़े हैं ना, सारे कपड़े
यहाँ पे नीचे होंगे तो सोचो, अरे बाबा 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 बस 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 निकल निकल निकल, चलो इसको लॉक कर देते हैं, चलो लॉक कर देते हैं, चलो 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 चल बाय 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 बाय, चलो ये जब तक मैं इसका बंद ना करूँ ना दरवाजा तब तक ये निकलेगी नहीं यहाँ से। और निशान का कभी कभी पूरा कबर्ड खोल के उसके कपड़े नीचे निकाल देती है, सोचो। तो देखा आपने इतनी प्यारी बिल्ली के शक्ल के पीछे का राज, तो इस तरीके के बहुत चिंटू के कर्तव्य है, मैं वो क्या बताऊँ। अभी बज रहा है 1 और मेरा सब कुछ करके हो गया है, मतलब शूटिंग का सब कुछ करके हो गया है, और अभी मैं फटाफट से लंच प्रिपेयर करने के लिए जाने वाली हूँ। और गाइज ये वाला व्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ, नेक्स्ट व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आई होप सो, क्योंकि मैं पहनने वाली हूँ साड़ी फॉर 24 आवर्स, जी हाँ, और वो देखने के लिए बहुत मज़ेदार होगा क्योंकि मैंने कभी भी साड़ी पहना नहीं है। दरअसल दो से तीन घंटा मैंने पहना है, उससे ज़्यादा नहीं पहना है, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ। 24 आवर्स मतलब खाना पीना उठना बैठना सोना साड़ी में। तो स्टे ट्यून्ड, और गाइज मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ, बाय।